और उत्तराखंड से पलायन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया। विधानसभा पहुंचने से पहले सीएम धामी ने पलायन रोकने पर प्लान बताया और कहा कि हिमगिरी योजना के तहत पलायन रोकने की कोशिश रहेगी। अपने संकल्प में दिया है कि हम हिम प्रहरी योजना लेकर आएंगे और हिम प्रहरी योजना के माध्यम से जो हमारे सीमांत के क्षेत्र हैं जहाँ पर पलायन बहुत तेजी से हो रहा है, वहाँ के लोग उन्हीं क्षेत्रों में रहें और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, अर्धसैनिक बलों में हैं, अन्य स्थानों पर जिन्होंने काम किया है, उनको हम प्राथमिकता के आधार पर उस योजना में समाहित करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। उधर हरिद्वार की लक्सर सीट से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने सदन के अंदर अवैध खनन का मसला उठाया। मोहम्मद शहजाद ने सदन में नियम 310 के तहत चर्चा की मांग। निर्देश कर दिए कि खनन बंद हो जाएगा और गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जो माफिया है माफिया गर्दी हरिद्वार में नहीं चलेगी। और इसी प्रकार जब जब भी मौका मिलेगा हम माफिया गर्दी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी अपनी बात रखती रहेगी, पहले भी रखती आई है और आगे भी रखती रहेगी। पूरे मनोयोग से हम सदन में आए हैं, जनता ने भेजे हैं, पूरी तरह से तैयार हैं और जनता की भलाई के लिए हम यहाँ बोलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। उधर खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सदन में पत्रकार राहत कोष का मुद्दा उठाया। उमेश कुमार ने कहा कि एक तरफ सरकार पत्रकारों के हित की बात करती है मगर सरकार ने अभी तक पत्रकारों के हित के लिए कोई काम नहीं। भाई आपने आज तक पत्रकारों के लिए किया क्या है? आज 22 साल इस राज्य को हो गए हैं, 22 साल में आपने किस पत्रकार की मदद की है? मैंने उसकी सूची को जानना चाहा। कुछ पत्रकार हमारे साथी दुर्घटनावश चले गए, उनके बारे में जानना चाहा और ये जानना चाहा कि आप लगातार पत्रकार कल्याण कोष की घोषणा करके दम भरते हैं कि हम पत्रकारों के हितेशी सरकार हैं, आपने पत्रकारों के लिए कौन सी आवास नीति आज तक बनाई? और सीएम पुष्कर सिंह धामी के मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा हो गया है। विभागों के बंटवारे के बाद पुष्कर धामी की टीम पूरे जोश। सदन की कार्रवाई पहुंचे मंत्रियों से बीपी गंगा ने बात की। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का दावा है कि वो शहरी विकास के अलावा सभी विभागों को बेहतर तरीके से चलाएंगे। और अपने नेतृत्व का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि जिन्होंने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विभाग से नवाजा है। और निश्चित रूप से आप सब जानते हैं जिस प्रकार से मैंने पिछले कार्यकाल के दौरान अध्यक्ष विधानसभा के रूप में, और आपने स्वयं ने कहा कि मैंने ठीक कार्यकाल मेरा रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी हम लोग इस जो हमें दायित्व मिला है, जो मुझे दायित्व मिला है उस पर बखूबी मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ शक्ति के साथ काम करूँगा। और निश्चित रूप से चाहे वो शहरी विकास का बात की बात हो, चाहे वित्त विभाग की बात हो और चाहे फिर संसदीय कार्य मंत्री के रूप में काम करने की बात हो, आपको बिल्कुल एक जो मेरे को चुनौती मिली है उसको पूरा करते हुए और अपने क्षमताओं के अनुसार मैं काम करूँगा।